दुनिया में तीन प्रकार के लोग हैं, वन हु लाइक फैशन शोज, सेकेंड हु डोंट, एंड थर्ड हु डोंट गिव अ डैम। कुछ समय पहले मेरे एक बहुत ही प्यारे यूट्यूब सब्सक्राइबर हिमांशु राय ने मुझे कॉन्टैक्ट किया ये पूछने के लिए कि जो कपड़े फैशन शो में मॉडल्स पहनते हैं क्या उन्हें एक्चुअल लाइफ में रियल नॉर्मल लोग भी पहनते हैं। इसका जवाब है येस एंड नो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होते हैं फैशन शो, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड क्रिएटिंग दिस अनकन्वेंशनल एंड बोहेमियन क्लोथ्स, और जो कपड़े फैशन शो में बनाए जाते हैं क्या उन्हें नॉर्मल लोग डे टू डे ओकेजन्स में पहनते हैं। और इस बार भी मेरा जवाब वही है, येस एंड नो। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल स्टाइल फॉर लाइफ स्टाइल। लेट्स स्टार्ट टूडेज वीडियो। हिमांशु राय इज वन ऑफ दो सब्सक्राइबर्स जो मुझसे YouTube चैनल के थ्रू जुड़े एंड वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच। काफ़ी समय वो मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं फॉर वेरियस क्वेरीज एंड कंसर्न्स। बहुत से सब्सक्राइबर्स आजकल मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं थ्रू दी कमेंट सेक्शन, जहाँ पे वो अपने क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं, एंड इट इज़ अ गारंटी दैट आई विल गिव यू अ रिस्पॉन्स। टॉकिंग अबाउट टुडेज वीडियो, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये फैशन शो होते क्या हैं। फैशन शोज आर एन एग्जीबिशन। जिस प्रकार से एक आर्ट की एग्जीबिशन होती है, हैंडीक्राफ्ट्स की एग्जीबिशन होती है, बिल्कुल उसी तरीके से जब भी कोई डिज़ाइनर अपना एक नया कलेक्शन बनाता है, देन अ फैशन शो बिकम्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो अपने क्रिएशंस को एग्जिबिट करते हैं। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द रीज़न कि ऐसे अजीब और बोहेमियन कपड़े बनाए जाते हैं। सो इसके पीछे मल्टीफोल्ड स्ट्रेटजी होती है। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि चाहे ये जितना भी ग्लैमरस दिखता हो, फैशन इज अ फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी। अगर फैशन डिजाइनर के दिमाग में कोई एक ख्याल आया, सो दे डोंट सी एनी हार्म इन मेकिंग फ्यू आउटफिट्स लाइक दिस। अनफॉर्चुनेटली पूरे शो में ये एक या दो जो अजीब कपड़े बनाए जाते हैं उन्हीं पे ज़्यादा फोकस होता है, जबकि एक्चुअली पूरे कलेक्शन में कुछ ही ऐसे कपड़े बनते हैं। सेकेंड रीज़न इज द पब्लिसिटी। हालांकि बहुत सारे फैशन डिजाइनर्स ये जानते हैं लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं करते, बट दे ऑल्सो नो कि अगर हमने कोई एक बहुत ही अनकन्वेंशनल आउटफिट बनाया, सो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट बोथ मीडिया एंड पीपल विल वॉच दैट, और शायद उस परिधान के कारण डिज़ाइनर के पूरे कलेक्शन को भी तवज्जो मिलेगी, उस डिज़ाइनर के बारे में बात की जाएगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इंडियन फैशन डिज़ाइनर्स, एक वीडियो बनाइए ऑन माई फेवरेट फैशन डिज़ाइनर विच इज़ सब्यसाची मुखर्जी, जिसमें मैंने बताया है दैट वॉट इज़ द रीज़न सब्यसाची इज़ द फर्स्ट चॉइस फॉर सेलिब्रिटीज़ एज फार एज ब्राइड एंड ग्रूम कोत्योर इज़ कंसर्न्ड। उस वीडियो का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट वीडियोज़, आई होप आपको भी ये अच्छा लगेगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट एंड द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, कि क्या फैशन शो में दिखाए जाने वाले कपड़े नॉर्मल डे टू डे लाइफ में या नॉर्मल लोग पहनते हैं। सो इट इज़ बोथ येस एंड नो। वाई नो? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, कुछ कपड़े बनाए ही जाते हैं सिर्फ पब्लिसिटी के लिए और टू सेटिस्फाई द क्रिएटिविटी ऑफ द डिज़ाइनर, तो उन कपड़ों का तो इंटेंशन ही अलग है, इसलिए हम उन्हें दरकिनार कर देते हैं। देर आर मेनी अदर आउटफिट्स विच आर वेरी गुड एंड विच आर क्रिएटेड टू बी वॉर्न बाई द नॉर्मल पीपल। अब ये बिजनेस, ये डायनेमिक्स चलता कैसे है? सो कभी भी अगर आप एक फैशन शो में देखेंगे तो फर्स्ट रो में जनरली फोटोग्राफर्स या सेलिब्रिटीज बैठते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन कुछ लोगों के अलावा देर आर मेनी अननोन पीपल जो कि उस फैशन शो में शिरकत करते हैं। कौन है ये लोग और ये यहाँ क्यों बैठते हैं? एंड दिस इज़ वेयर द बिजनेस बिहाइंड द फैशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये जो फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं, इनके क्रिएशंस बहुत सारे अलग अलग चैनल में बिकते हैं। वन इज़ थ्रू देयर ओन शोरूम्स, देर इज़ अनदर चैनल थ्रू विच इनके कपड़े बिकते हैं विच इज़ स्टूडियोज़ और बुटीक्स। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके मल्टीपल आउटलेट्स होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जनरली जब आप फैशन शो में लोगों को बैठे हुए देखते हैं तो ये लोग उन ब्रांड हाउसेस या बुटीक्स के ओनर्स या क्रिएटिव डायरेक्टर्स होते हैं, हु जनरली कम टू अ फैशन शो टू सी द कलेक्शन बट ऑल्सो टू एनालाइज वेदर दिस कलेक्शन विल बी अ फिट फॉर देयर क्लाइंटेल। अगर किसी फैशन हाउस या बुटीक को वो कलेक्शन पसंद आता है, देन दे कॉन्टैक्ट द फैशन डिज़ाइनर। इस पूरे फैशन शो के ग्लैमर के बाद देर आर सीरियस मीटिंग्स विच हैपन इन द ऑफिसेस, जहाँ पे डिज़ाइनर और उसकी टीम अपने प्रोबेबल क्लाइंट को समझाती है अबाउट द कलेक्शन, अबाउट द फैब्रिक्स विच आर यूज्ड। अगर उस बुटीक को वो कलेक्शन समझ आती है, वो पसंद आती है, दैट इज़ वेन दे गिव द ऑर्डर्स टू द डिज़ाइनर एंड दैट इज़ वेन द एक्चुअल सेलिंग ऑफ द आउटफिट हैपन्स।
that creative designer also understands dressing sensibility or comfort of a woman in Europe will be very different of the woman in Dubai or Sharjah. इसीलिए जब भी ऑर्डर दिए जाते हैं उनके फैब्रिक का, उनके सिल्वेट का, उनके नेक और थाई में किस प्रकार का कट है, इन सब का ध्यान रखा जाता है और ज्योग्राफी स्पेसिफिक ऑर्डर्स दिए जाते हैं। आई हैव सीन इट मल्टीपल टाइम्स कि ऐसा कोई भी आउटफिट जो एक फैशन शो में किसी मॉडल ने पहना, कुछ महीने बाद किसी सेलिब्रिटी ने काफ़ी हद तक के वैसे ही एक आउटफिट को अपने किसी इवेंट में पहना है विद देयर ओन पर्सनलाइज्ड चेंजेस। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हम अपने डे टू डे लाइफ में पहनते हैं वो कभी ना कभी किसी ना किसी फैशन शो में एग्जिबिट की गई थी, किसी डिज़ाइनर ने या किसी एक्सपोर्ट हाउस ने उसे पसंद करके ऑर्डर दिया, सेलिब्रिटी स्टार्टेड वेयरिंग इट, सोशलाइज स्टार्टेड वेयरिंग इट, एंड दैट इज़ हाउ द नॉर्मल ब्रांड्स ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग क्लोथ्स ऑफ दैट कलेक्शन। तो जी ये है कहानी बिहाइंड द सीन्स ऑफ फैशन शो, ऑफ द थिंकिंग ऑफ अ फैशन डिजाइनर एंड व्हाट इज द एक्चुअल बिजनेस ऑफ फैशन। क्या आप इस वीडियो में दिए गए मेरे पॉइंट से इत्तेफाक रखते हैं? इफ येस, लेट मी नो द रीजन एंड इफ व्हाई, आई वुड लव टू सी योर कमेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड एज ऑलवेज टेक केयर एंड स्टे स्टाइलिश।